नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम राजस्थान की थाली दाल बाटी चूरमा और कढ़ी की रेसिपी बनाएंगे। इसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उस मेहनत के बाद जो खाना मिलेगा वो बहुत ही टेस्टी होगा। तो आइए बनाते हैं इस बहुत ही टेस्टी थाली को। तो आइए सबसे पहले देखिए हम चूरमा बनाते हैं। तो ये एक कटोरी मैंने मोटा आटा लिया है और इसमें मैं देखिए इस तरह से 2 बड़े चम्मच सूजी डालूंगी। आपके पास जो आटा है बारीक आप वो भी ले सकते हैं। और 2 चम्मच इसमें हम बेसन डालेंगे। तो अगर बेसन आपके पास है तो आप ज़रूर डालिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। इसमें अब हम 5-6 चम्मच घी के डालेंगे मोरन के लिए और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। जितना मोरन डालेंगे उतना ही अच्छा ही सिकेगा और घी भी कम सोक करेगा फ्राई करते टाइम। तो देखिए इस तरह से बनने लग जाए, इतना घी इसमें हमें डालना है। इसके बाद दूध से हम इसका डो बना लेंगे। तो डो के लिए आपको बहुत गूंथना नहीं है इसे, बस एक जगह सारा आटा इकट्ठा हो जाए इस तरह से बनाना है। इसके बाद देखिए हम इस तरह से हाथ में मुट्ठी में लेते हुए इसकी मुठियाँ बना लेंगे। तो बस आप रफली इस तरह से इन्हें छोटे छोटे से बांध लीजिए, क्योंकि इन्हें हमें फ्राई करना है। तो देखिए इस तरह से सब बनकर तैयार हो गए हैं। तो थोड़े छोटे ही बनाएं ताकि अच्छे से अंदर तक कुक हो जाएं। तो अब एक कढ़ाई में हम घी गरम करेंगे। तो आप ऑयल भी ले सकते हैं, पर घी में ज़्यादा अच्छा बनेगा ये। और घी को बहुत हाई हीट नहीं करना है, मीडियम ही रखना है। और उसमें हम 5-6 जितना आए एक बार में उतनी मुठियाँ डाल देंगे। तो फ्लेम का आप ध्यान रखें कि लो से मीडियम की तरफ हल्की सी हो और कम गैस पर ही इसे कुक करना है। तो देखिए धीरे धीरे इसका कलर चेंज होने लगेगा। इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन रिजल्ट बहुत ही अच्छे आएंगे। तो ये देखिए इस तरह से ब्राउन हो जाएगा 10-15 मिनट में। और एक बार घी गर्म हो गया तो बहुत अच्छे से बन जाएंगे बहुत जल्दी। तो देखिए इन्हें हम निकाल लेंगे और दूसरे बचे हुए भी हम डाल देंगे, वो भी 5-7 मिनट में बहुत अच्छे से बन के रेडी हो जाएंगे। तो आप इन्हें गरम गरम को ही तोड़ दीजिए, उससे ये होगा अंदर जो थोड़ी भाप है वो निकल जाएगी। और देखिए अभी सारे बन गए और मैंने सबको इस तरह से तोड़ दिया है, तो उससे थोड़े ठंडे भी जल्दी हो जाएंगे और अंदर की भाप निकल जाएगी। अब एक मिक्सर जार में इसे हम पीसेंगे। ये इतना क्रिस्पी है, बहुत जल्दी पिस जाएगा। मोरन डाला है, अच्छे से फ्राई हुआ है। तो देखिए ये पिस कर तैयार है, छानना भी नहीं पड़ेगा। अब इसमें हम देखिए मैंने इलायची पाउडर को थोड़ा चीनी के साथ पीसा था, तो इलायची ज़रूर डालें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और 1 कटोरी आटा था, तो 1 कटोरी हम यहाँ बूरा लेंगे। बूरा नहीं तो आप पिसी हुई चीनी ले सकते हैं। और अब इसमें हम बहुत सारा घी डालेंगे। तो ये घी और चीनी आप अपने टेस्ट से या हेल्थ के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसे अच्छे से मिला लेंगे और ये देखिए हमारा चूरमा तैयार है। बेसिकली इसमें ज़्यादा ड्राई फ्रूट डलते नहीं हैं, आप थोड़े से काजू बादाम डाल दीजिए और इसे अच्छे से मिला लीजिए, या लड्डू की शेप दे सकते हैं। अब हम कढ़ी बनाएंगे। देखिए मैंने 1 कटोरी दही लिया है, इसमें हम सिर्फ 2 चम्मच बेसन डालेंगे। तो ये कढ़ी बहुत पतली बनती है, गाढ़ी नहीं। मिर्च पाउडर डालेंगे और बहुत चुटकी सी हल्दी, धनिया पाउडर डालेंगे और टेस्ट से नमक डालेंगे। इसे हम इस तरह से फेंट लेंगे। तो दही 1 कटोरी लें, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं हो। और इसमें हम लगभग 1 लीटर पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा मिलाते हुए। और एक पतला सा बैटर हम रेडी कर लेंगे कढ़ी के लिए। तो थोड़ी पतली ही कढ़ी होगी, आप ध्यान रखें। अब एक कढ़ाई में हम तेल गरम करके उसमें हींग डालेंगे, घी भी ले सकते हैं आप, और 1 चम्मच राई डालेंगे। और थोड़ी सी मिर्च हम रंग के लिए डालेंगे, क्योंकि हल्दी भी हमने कम डाली है। अब इसमें हम ये बैटर डालेंगे कढ़ी का और इसे लगातार चलाते हुए बॉईल आने तक चलाएंगे। तो ये देखिए बॉईल आ जाएगी 5-7 मिनट में। तो ये पतली कढ़ी देखिए इस तरह से होती है, कलर भी यही होता है इसका बेसिकली। अब इसे हम ढक देंगे और कम से कम 15-20 मिनट आप इसे छोड़ें मीडियम से लो फ्लेम की तरफ, इसे बॉईल होने दें। जितना ये बॉईल होगी इसमें उतना ही टेस्ट आएगा। तो देखिए 15 मिनट हो गए हैं, कलर भी आ गया। इसमें हम थोड़ी कसूरी मेथी डालेंगे और ये कढ़ी हमारी रेडी है। तो इसे आप रख दीजिए। अब हम दाल बनाते हैं। तो देखिए बेसिकली इसमें मिक्स दाल होती है, पंचमेल उसे बोलते हैं। आप वैसे कोई भी दाल ले लीजिए अपने टेस्ट से, सभी के साथ बाटी अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ देखिए उड़द धुली भी ली है और बिना धुली भी ली है, और छिलका मूंग ली है धुली हुई है, मसूर है, चना है और अरहर दाल है। इन सबको 1-1 चम्मच लिया है। आप इन्हें अच्छे से धो लीजिए, भिगो लीजिए और उसके बाद 2 सीटी आने तक नमक हल्दी डालकर कुक कर लीजिए। गाढ़ी या पतली ये सब अपने टेस्ट से रखें, बाकी मीडियम रखना है आपको। तो अब बाटी के लिए देखिए मैंने 2 कटोरी मोटा आटा लिया है, आप बारीक आटा भी ले लें। और इसमें 1/2 कटोरी सूजी डाली है, ये 2 पिंच मीठा सोडा है और 1/2 चम्मच नमक डाला है। इसमें भी हम 4-5 चम्मच घी डालेंगे मोरन के लिए। और इसको हम अच्छे से मिलाने के बाद पानी से एक इसका
टाइट सा डो तैयार कर लेंगे, बहुत सॉफ्ट डो नहीं रखना है। इस पर हम घी लगाएंगे और इसे 15 से 20 मिनट हम रेस्ट होने देंगे। तब तक हम दाल को बॉईल कर लेंगे। अब ये देखिए डो रेडी हो गया है अच्छे से। तो इसके हम देखिए इस तरह के छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे और थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे हल्का सा दबाकर। तो इस तरह देखिए सारे बॉल्स रेडी हो जाएंगे ये, और इन्हें थोड़ा फ्लैट रखें। आप थोड़ा बड़ा या छोटा आप कैसा भी बना सकते हैं। तो अब इन्हें हम कुकर या कढ़ाई में कुक करेंगे। तो आप कढ़ाई ले लें या कुकर ले लें, तंदूर में नहीं बनाएंगे। इसमें घी डालेंगे हम थोड़ा सा, और गैस को हमें यहाँ लो रखना, आप ये ध्यान रखें। और इस तरह से लगा देंगे और ऊपर से ढक्कन लगा देंगे हम। तो आप देखिए ढक्कन ऐसा रखें जिसमें से हवा बाहर निकलती रहे। और कुकर में अगर ले रहे हैं तो आप उसकी सीटी निकाल दें और उसे ऊपर से ढक दें। और फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है। आप देखिए 4-5 मिनट में इतनी अच्छी एक तरफ से कुक हो गई है। आजकल गैस जो होती है वो कांच की होती है, तो उसके ऊपर हम तंदूर बाटी वाला रख नहीं सकते हैं, थोड़ा रिस्की होता है वो कांच के लिए। तो इसलिए आप कुकर या कढ़ाई में बनाइए, बहुत अच्छी बाटी बनती है। तो ऊपर से देखिए हमने थोड़ा सा घी डाल लिया है और फिर से दूसरी तरफ से कुक कर लिया है। देखिए कितना अच्छा कलर आने लगा है। जैसे जैसे हम थोड़ा इसे और कुक करेंगे अच्छा कलर आएगा। अब देखिए हम साइडों में इस तरह से लगा देंगे, उससे साइड से भी कुक हो जाएगी। और जो बीच में जगह होगी उसमें नई बाटी डाल देंगे और थोड़ा घी डालेंगे और फिर से ढक देंगे। और 2-4 बार इस तरह से हम इसे पलटते रहेंगे ताकि साइड से हर तरफ से कुक हो जाए। तो 2-3 मिनट के बाद आप देखेंगे इसका इतना अच्छा ब्राउन कलर हो गया, बहुत अच्छे से कुक हो गई। आप देखिए कितना अच्छा कलर आया है, बाहर से क्रिस्प है और अंदर से बहुत सॉफ्ट है ये। तो आइए अब जो बाटी बन गई उन्हें हम निकाल लेते हैं और नई बाटी में उसमें डाल देंगे हम कढ़ाई में। तो देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है और ऊपर से थोड़ी करारी है। इसे हम तोड़ेंगे और ऊपर से घी डालेंगे। आप चाहें तो घी में डिप करके निकाल लीजिए, बाकी इस तरह से ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आइए दाल बनाते हैं। अब हम एक कढ़ाई में घी लेंगे। ये देखिए दाल मैंने इस तरह की बॉईल की है, आप पानी कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसमें हम तेज़पत्ता डालेंगे, हींग ज़रूर डालें इसमें, हम हींग का तड़का लगाएंगे। फिर हम जीरा डालेंगे और इस तड़के के बाद इसमें हमने एक मोटा प्याज लिया था और हरी मिर्च ली है एक, इसका तड़का लगा लेंगे। थोड़ा प्याज कुक होने पर इसमें हम आधी चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और धनिया डालेंगे। हल्दी हमने डाल रखी है, दाल बॉईल की है। तो अब इसमें हमने देखिए 2 मोटे मोटे कटे हुए टमाटर डाल दिए, उन्हें बहुत बारीक नहीं करना है। थोड़ा दाल का पानी डालेंगे ताकि मसाला चिपके नहीं, और नमक डालेंगे और इसे हम ढक देंगे। 2 से 3 मिनट में ये कुक हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो देखिए ये बन कुक हो गया है। अब मसाला मैश कर लेंगे हम टमाटर को थोड़ा, और इसमें हम दाल डालेंगे। तो यहाँ भी आपको ज़रूरत हो तो आप इसको थोड़ा पतला कर सकते हैं पानी डालकर। गरम मसाला डालेंगे और अब इसे हम बॉईल होने देंगे। देखिए बॉईल हो गई है दाल, बहुत अच्छे से कुक हो गई है। टमाटर मोटे मोटे हैं, कटे हुए हैं तो अच्छे दिख रहे हैं। अब धनिया डालेंगे और ये रेडी है। तो ये देखिए राजस्थानी थाली रेडी है। आप दाल में नींबू डालकर खाएं, इतना अच्छा चूरमा दाल बाटी और कढ़ी है। आप बनाइए इस थाली को। और अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।